जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जगास होंगे। तो आज मैं अपने करवा चौथ के व्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज है करवा चौथ का पहला दिन, यानी कि आज है 30 है इकतीस है, डेट का तो मुझे पता ही नहीं चलता है। यानी कि कल करवा चौथ है और आज उसका पहला दिन है, मतलब करवा चौथ का पहला दिन है। और आप लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी लग चुकी है। मैंने मेहंदी कल ही लगाई थी रात में, क्योंकि आज मम्मी इन पे भी लगानी थी मेहंदी, तो बाहर से मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, क्योंकि मन तो था मेरा बाहर से मेहंदी लगवाने का, बट मैंने बाहर से मेहंदी नहीं लगवाई, घर पे ही मेहंदी लगवाई है। क्या खुद ही लगाई है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपने खुद ही बाएँ हाथ से लगाया है, दाएँ हाथ पर। उतना गंदा भी नहीं है बट अच्छा है। और दूसरे हाथ का मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरे हाथ का आप लोग देख सकते हैं ये मैंने लगाए हुए है मेहंदी, ये मेरी मेहंदी है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी, साथ में आप लोग मेरे बाल देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को पहले अपने बाल दिखा देती हूँ। शीशे के सामने आ गए, आप लोग मेरे बाल देख सकते हो, ये देखिए थोड़ा झाड़ से लग रहे हैं, इग्नोर कर। तो अभी मैंने अपने बालों को थोड़ा, मैं स्ट्रेट अपने बालों को करी थी घर पर ही। और इस साइड के बाल देखिए मेरे, इस साइड के बाल थोड़ा सा अजीब से लग रहे होंगे आपको, और इस साइड के बाल मैंने कर लिए हैं। इस साइड के बाल थोड़ा सा ही देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं यार सलून वाले कैसे करते हैं उनका, जब वो करते हैं मतलब स्ट्रेट करते हैं बाल तो बहुत अच्छा लगते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। सिरम मैंने लगा लिया, मेरे ये देखो झाड़ सा लग रहा है, सीधे तो हो गए बट झाड़ सा लग रहा है। एक साइड का हो चुका है और एक साइड का अभी करना बाकी, ये देखो ये पूरे कर ली है रहा, तो इनको करना अभी है। तो मैं सोची थी आज ही बाल भी स्ट्रेट कर दूँ, क्योंकि कल तो फिर टाइम लगेगा, कल भूखा प्यासा भी रहना है तो टाइम लगेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं अपने बालों को अभी सीधा कर रही थी। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है, करवा चौथ का ब्लॉग भी आपको इसी में दिखेगा। और आई होप कि आप लोग को मेरा पहले वाला ब्लॉग जिससे पहले डाला हुआ है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने बाल पूरे स्ट्रेट कर लिए हैं, और अभी मैंने थोड़ा फैन भी चला लिया, आप लोग देख सकते हो ऊपर फैन चला रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मतलब जैसे ना पार्लर वगैरह या सलून में होता है स्ट्रेट, वैसे तो हो गए हैं लेकिन वहाँ पे एक अलग शाइन आती है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किसी ने डॉल के बाल हम पे लगा लिए हैं। और अभी थोड़ा अलग से लग रहे हैं, देखो अजीब झाड़ से लग रहे हैं थोड़ा ये, तो मैं आपको पूरा पीछे बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कैसे मैं लग रही हूँ, ठीक है? एक बार आप ऐसे रहना, आई होप मेरा लुक अच्छा लग रहा होगा, कल देखते हैं मेरा लुक कैसा लगता है। तो बाल तो मैंने स्ट्रेट कर ली, क्योंकि मेरे को ना इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती है अब वो करने की, हेयर स्टाइल बनाने की, बस ऐसे से आप क्रेचा लगा लो, सिंदूर भर लो, बहुत अच्छे लगते हो, तो हेयर स्टाइल करने की मतलब झंझट नहीं होती है। तो चलो, तो हेलो गाइस, हो चुकी है सुबह और अभी आपको मैं टाइम दिखा देती हूँ, ये देखिए 4:30 हो रही है। वैसे तो मैं उठ गई थी, वैसे तो मैं 3 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी मैं ऊपर आ गई थी, मैंने मतलब सरगी बोलते हैं हमारे, मतलब सरगी सुरगी कुछ नहीं बोलते हैं, ये सुबह खाना खाना है, बट कई लोग सरगी ही बोलते हैं करवा चौथ के दिन सुबह खाना खाने के लिए। तो मैं अपना खाना लेके आ गई हूँ ऊपर, 3 बजे उठ गई थी, 3:30 पे नीचे गई अपने नीचे वाले फ्लोर में। तो खाने में देख सकते हो आप, ये है सिवैया, मीठी सिवैया जो कि मम्मी ने ऑलरेडी बना के रख दी थी, और यहाँ पे पी रही हूँ मैं दूध, इसमें थोड़ी सी मैंने पत्ती डाली है ताकि ये थोड़ा चाय का फ्लेवर दे। और ये है यहाँ पे एक बिस्किट हमने खा लिया है,
इसके साथ दो रोटियां भी मैं खा चुकी हूँ क्योंकि भूख ना लगे इस वजह से दो रोटियां मैंने खा ली है। तो शिवानी ने भी ये सेम सरगी मेरी तरह खाई और अभी इसी टाइम पे हम दोनों खा रहे हैं क्योंकि अभी आजकल उजाला जल्दी होता नहीं है। तो ये होता है कि अंधेरे होने से पहले उजाला होने से पहले सरगी खा लेनी चाहिए। तो मम्मी ने ऑलरेडी पहले सेवई बना ली थी, मेरे को था कि नहीं बनी होगी तो मैं जल्दी उठ के मेरे को था कि जल्दी बना लूँगी, बट ऑलरेडी मम्मी ने बना ली थी तो मैंने चाय बनाई और अपना खाना पीना खा रही हूँ। तो इसको खाने के बाद सो जाएंगे, फिर उठेंगे जब भी उठेंगे, जैसा जैसा भी होगा आज का ब्लॉग आप लोग को ज़रूर दिखेगा। आज मेरा करवा चौथ का ब्लॉग है तो आप लोग बने रहिएगा और ज़रूर इस ब्लॉग को देखिएगा। तो मिलती हूँ आपको सीधा मॉर्निंग में। सो गाइस टन टन। तो गाइस सुबह का टाइम हो चुका है, आप लोग ऊपर देखिए 10 बज रही है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। कैसे रेडी, अभी तो हल्की फुल्की रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे करनी है पूजा और मतलब तैयारी करनी है अच्छा सा। माता रानी का वहाँ पे लगाना है चौकी, माता रानी की मतलब अच्छे से जो भी डेकोरेशन है वो करनी है मुझे नीचे जाके। तो अभी मैं नीचे जा रही थी, नहा धो के मैं फिट हो चुकी हूँ और उठ गई थी मैं 8 बजे और अभी मैंने थोड़ा चूड़ियाँ भी पहन ली हैं और अभी मैंने सिर्फ सूट ही वेयर किया है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी बैक कैमरे से। तो पूजा करनी है क्योंकि मेरे को पूजा करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी क्योंकि अगर मैं नहीं लूँगी तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं पूजा अभी मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर रही हूँ और बाकी जो कथा वगैरह होगी वो शाम के टाइम पर मैं करूँगी। अभी मैं माता रानी से माफ़ी मांग लूँगी क्योंकि मुझे फ्रूट्स वगैरह खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नहीं खाऊँगी तो मैंने जैसे आपको बोल दिया है मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है, मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं कर रखा है मैंने क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है मेकअप करने का। तो चलो चलते हैं नीचे, वहाँ पर माता रानी की चौकी जो भी है उसको सेट करते हैं फिर मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ वाला। सो ये देख सकते हैं आप लोग, आज मैंने ये सूट वेयर किया है, बहुत लूज सूट है ये, मैंने वेयर किया हुआ है और अपनी चूड़ियाँ और मंगलसूत्र ये मैंने हल्का फुल्का अपना कर लिया है सेटअप। सो दोस्तों पूजा वूजा करके मैं आ गई हूँ और आप लोगों ने देख ही लिया होगा पूजा का मैंने आसन भी लगा लिया माता का और पूजा वगैरह करके आ गई हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था मैं खाली पेट नहीं रह सकती हूँ, मुझे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भी यहाँ पे ये देखो मैंने लिया हुआ जूस, संतरे का जूस जो कि मुझे अभी पीना है लिक्विड के लिए, पानी तो नहीं पी सकती हूँ बट जूस पीऊँगी। बाकी कुछ कुछ देर में थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह खाती रहूँगी। तो चलिए 2 बजे के अराउंड हमें जाना है गली में, वहाँ पे कथा होगी। कथा तो मैंने घर में पढ़ ली थी बट मैंने अपने तरीके से कथा पढ़ी, माता रानी से माफ़ी मांगी क्योंकि इस बार पहली बार मेरे को बीच में कुछ खाना पड़ रहा है तो इस वजह से मैंने माता रानी से माफ़ी मांग ली थी। लेकिन बाद में जो कथा होगी गली की लेडीज़ सब जाएंगी, कुछ वहाँ पे प्रोग्राम भी वो लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं उन लोग के साथ जाऊँगी। तो अभी इसको फिनिश करती हूँ फिर आप लोगों को सीधा मिलती हूँ शाम को बाद के टाइम पे जब हम गली में जाएंगे। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए गली में, तो गली के लोग भी आ चुके हैं, ये कुछ कुछ आई हैं गली की हीरोइनें तैयार होके। तो अभी कई लोग नहीं आए तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं सबका, जब सब लोग आएंगे तो हम लोग आएंगे। चलो आप फोटो खींच रहे हो, मैं आपका वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग बना रही हूँ, इधर मैं देखो फोटो मत, मैं बोलूँगा ना फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पीछे देख सकते हो सारे लोग सेल्फी खींच रहे हैं फोटो खींच रहे हैं। वो भी फोटो तो
तो अभी हम सब लोग वेट कर रहे हैं, कई लोग नहीं आए ग्रुप वाले हैं, आ रही हूँ मैं, तो ग्रुप वाले कई लोग नहीं आए तो वेट कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, देखते हैं कब तक आते हैं लोग। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो हमने कथा वथा कर ली है, अभी ये लोग फोटोशूट कर रहे हैं, तो इस बार कुछ प्रोग्राम है नहीं, तो ये सारे फोटो शूट कर रहे हैं। कथा होने के बाद अब यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया, तो ये देखो नाचो भाई। तो अभी हम लोग घर चले गए हैं खाना पीना बनाने, वो लोग भी पीछे ही डांस वांस एंजॉय कर रहा है, मे भी आपको दिख रहा होगा, तो हम चलते हैं घर की तरफ। तो हम ये लोड़ी जो है वो मैं डाल दूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा खाना कई बन चुका है, आधा रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ छोले बन गए हैं, ये बन रहा है मटर, मटर पनीर तैयार कर रहे हैं, पूरी बन चुकी है, खीर बन चुकी है, खांसी हो गई बाप। तो दोस्तों मैं अभी रेडी हो रही हूँ रात के लिए, यानी कि साड़ी पहन रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है साड़ी पहनने में। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मोजे बनाए हुए हैं, किस तरीके से मैंने साड़ी पहना हुआ है। अभी मैं प्रॉपर तैयार नहीं हूँ, प्रॉपर तैयार क्या, मेकअप भी नहीं कर रही, हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं कर रही, बस साड़ी पहना है, पिछौड़ा डाला है, और अभी शाम का वेट करें क्योंकि भूख लगती है बहुत तेज़, तो बस पिछौड़ा सेट कर रही हूँ, फिर चलते हैं नीचे पूजा वूजा करते हैं, फिर चांद आएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँगी जो भी जितना मैं शूट कर पाऊँगी वहाँ पर। बाकी खाना पीना हमारा बन चुका है, बस रोटी बनानी रहती है। तो अभी का लुक मेरा यही है, आप लोग देख सकते हो, यही यही साड़ी मैंने वेयर की हुई है और पिछड़ा वेयर किया हुआ है। तो मिलती हूँ आपको सिर्फ चांद के साथ, ठीक। कभी धड़का नहीं था ये तेरी आहट, इस दे गई धड़कन, हमें मुझे बुला रहे हैं। तू है तू ही तो है जीने की आदा, तू है तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है तू ही तू है मेरा खुदा।
सो दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है और अभी मैंने चला दिया फैन क्योंकि मुझे हो रही है बहुत भयंकर गर्मी। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, मेरे से कपड़े बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो ऊपर से मैंने साड़ी पहन ली थी, वो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो हमने सब कुछ मतलब जितना अपना करवा चौथ का जो भी हमारा करवा चौथ का मतलब करवा चौथ में होता है वो सब कुछ हमने कर लिया है। पूजा पाठ हो चुकी है, खाना पीना खा चुके हैं और अभी मैं थोड़ा ऊपर आई हूँ क्योंकि मुझे खोलनी है चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ मेरे को इतनी हैवी लग रही हैं, एक हाथ की तो मैं खोल चुकी हूँ बट इस हाथ में थोड़ा टाइट हो रही, तो इसको मुझे खोलना है। और ये मम्मी और ये आप देख सकते हैं, ये मम्मी और शिवानी की तरफ से मुझे मम्मी की तरफ से ये मिला हुआ है, ये आप देख सकते हो लिफाफा। और शिवानी की तरफ से कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो मैं आपको आप ऐसे ही देख लो मैं क्या ही दिखाऊँ। तो बस आप तो अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का करवा चौथ का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ब्लॉग लेके आऊँगी, फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत थोड़ा ठीक होगी तो आप लोग के सामने ब्लॉग लेके आऊँगी। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलूंगी बहुत जल्दी आप लोग को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जन्म है।